सर, शुभम तुम्हारे नाम पे कंप्लेन कर रहा था भाई साहब, तुम घर में कुछ पढ़ती उड़ती नहीं हो। ओके पीपल वी विल डू, ये क्या हो रहा है भाई साहब, मॉलर्स लॉ। ठीक है, अभी मॉलर्स लॉ बेसिकली क्या होता है, पोलराइजेशन हमने देखा है भाई साहब। व्हाट इज पोलराइजेशन, व्हाट इज पोलराइजेशन, अरे 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 भाई साहब पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन देखो, अभी आपका समझ लो, ये आपका एक लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, लाइट भाई साहब आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सो लेट्स से भाई साहब आपका, तो इसके सारे फील्ड में भाई साहब ऐसे रहेगा। ठीक है, ये आपका सब एक्सिस में इसका वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखो लाइट में ना, हम वी ओनली टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका लाइट है, दिस बेसिकली लाइट। ठीक है, और इसको हम किसी पोलराइड क्रिस्टल से पास करा रहे हैं। वी आर बेसिकली मेकिंग इट पास थ्रू अ पोलराइड क्रिस्टल। पोलराइड क्रिस्टल में क्या हो जाएगा भाई साहब, ये सारे कॉम्पोनेंट्स कट के सिर्फ इसमें से क्या निकलेगा, ओनली दिस विल गो थ्रू। ठीक है, तो आपका सिर्फ ऐसे निकलेगा, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, तो अभी आप बताओ भाई साहब, यहाँ पे अगर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो आपने अगर एक पोलराइड क्रिस्टल से पास कराया इसको, तो इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, इस तरीके का मतलब इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बताइए। अगर लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट थी ओरिजिनली, तो अभी कितनी हो जाएगी, अभी कितनी हो जाएगी भाई साहब, हाँ हाँ, अरे कितनी डिग्रीज हो जाएगी, लेकिन कितना डिग्रीज हो जाएगा। अरे भाई साहब यहाँ पे देखो कितना डिग्रीज हो गया है, एक एक्सिस से ही पास करा इन सारों को। आप भाई साहब ऐसे इस कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं, और इस कंपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना भाई साहब। समझ लो जैसे ये आपका ए वन है, ठीक है, तो इसको आप ए वन कॉस थीटा और ए वन साइन थीटा ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। सो ऑल ऑफ दिस कैन बी बेसिकली कन्वर्टेड इनटू टू। तो आपका भाई साहब पोलराइज लाइट का एक कंपोनेंट कट जा रहा है, एक ही कंपोनेंट जा रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा। ओफो भाई साहब, आई नॉट बी द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट incident on the analyzer and theta be the angle between the transmission axis of the polarizer and the analyzer. यार ये लेकिन मॉलिस लॉ में ये एक मिनट, पोलराइजेशन भाई साहब, ओके पोलराइजेशन ऑफ लाइट, व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट पीपल। ठीक है, सो आपके पोलराइजेशन ऑफ लाइट में लाइट वेव्स प्रोपोगेट एज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट वेव्स का भाई साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, नेचर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ओके मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो आपका भाई साहब ये देखो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, या जैसा भी, ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। हम यहाँ पे लाइट के इम्पैक्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड को ही पढ़ने, जानने और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न विद द मैग्नेटिक फील्ड। ओके सो यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। ओके सो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इज मच लार्जर एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड वेक्टर। ठीक है, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जो है तो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इम्पैक्ट से ही जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स में, उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, सो ऑल्सो द आई इज मेनली अफेक्टेड बाई द इलेक्ट्रिक वेक्टर। हमारा जो आई का इम्पल्स है, जो हमारी साइट है, दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिक वेक्टर। ठीक है, देयरफॉर वी जनरली प्रेफर टू डिस्क्राइब लाइट एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप सिर्फ अभी भी नहीं, आप जब इंजीनियरिंग में भी पढ़ेंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर से लाइट, हालांकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिजल्ट है, बट यू विल नेवर कंसिडर और एनालाइज और स्टडी इन डेप्थ अबाउट द मैग्नेटिक वेक्टर ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। यू विल ओनली कंसिडर अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, द आई इज मेनली अफेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक वेक्टर। भाई साहब हमारा लाइट से मतलब क्या है, साइट का। ठीक है, सो लॉन्ग एज वी आर एबल टू सी, वी विल सी, वी विल से दैट देयर इज लाइट, अदरवाइज देयर इज नो लाइट। ठीक है,
सो हमारा जो इलेक्ट्रिक जो इंपल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से एसोसिएटेड है। हमारे साइट में जो इंपल्स जनरेट होते थे वो आपके इलेक्ट्रिक वेक्टर से एसोसिएटेड है। देयरफॉर वी जनरली प्रेफर टू डिस्क्राइब लाइट एज द इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन। तो लाइट आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन दोनों से प्रोड्यूस होता है, लेकिन वी जनरली प्रेफर टू डिस्क्राइब इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन बिकॉज दैट इज वॉट जनरेट्स साइट। ठीक है, तो आपका देखो ये इलेक्ट्रिक वेव है, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक वेव, ये आपका हो गया मैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका भाई साहब सेल्फ प्रोपोगेटिंग कंपोजिट, तो आपका भाई साहब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसीलिए हम इसको बोलते हैं भाई साहब सेल्फ प्रोपोगेटिंग। ठीक है, आपका चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मतलब एक दूसरे को ये सपोर्ट एनहेंस कर रहे हैं, पूरे ताल मतलब में चल रहे हैं। ठीक है, ओके, अनपोलराइज लाइट, तो आपका देखो ये अनपोलराइज लाइट, ये हमने नहीं किया था क्या, किया था, ये नहीं किया था, ठीक है चलिए, अनपोलराइज लाइट, ये आपका लाइट है, देखो ये चक्कर आ रहा है भाई साहब ऐसा, ठीक है, मतलब ऐसे चारों तरफ इसका भाई साहब पोलराइजेशन है। ठीक है, सो दैट इज हाउ द लाइट इज बेसिकली कमिंग टू यू, अनपोलराइज लाइट। ठीक है, दिस इज अनपोलराइज लाइट, सारे प्लेन्स में इसका भाई साहब हो जाएगा। ठीक है, सो सिंबल ऑफ अनपोलराइज लाइट भाई साहब, सिंबल ऑफ अनपोलराइज लाइट क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस ये। ठीक है, आपका ऐसा मतलब कैसा है, देखो देखो, अरे देखो ना भाई साहब, ठीक है देखो, जैसे भाई साहब आपका अनपोलराइज लाइट है वो कैसा है, ऐसा, ठीक है, ऐसा, फिर ऐसा, फिर कैसा, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, इन सब को और इन सब को और इन सब को और इन सब को, देखो हम अरे भाई साहब ये वाला जो देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इन सब को इन दोनों में रिजॉल्व कर सकते हैं, इन सब को इन दोनों में हम रिजॉल्व कर सकते हैं, तो ले देकर भाई साहब आपका, अगर मैं बोलूं कि इन सब को देखो, हम जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, जब आप किसी वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो वेक्टर भाई साहब एग्जिस्ट करता है नहीं है, आप दोनों कंपोनेंट से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही है भाई साहब, इन सबको भाई साहब इन दोनों कंपोनेंट्स में अगर मैंने रिजॉल्व कर लिया तो ये काफ़ी है रिप्रेजेंटेशन, वेदर यू रिप्रेजेंटेड इन दिस वे और वेदर यू रिप्रेजेंटेड इन दिस वे, इट्स मेक्स द सेम सेंस, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये आप इसको लाइट को ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे रिप्रेजेंट करो, इट इज मेकिंग द सेम सेंस, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो अभी आपका अनपोलराइज लाइट को हम कैसे दिखाते हैं भाई साहब, ये और इतना बड़ा ना खींचकर भाई साहब हम ये टुन्नू, ठीक है, मतलब ये ऐसा है, देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है लाइट, कैसे जा रहा है भाई साहब ऐसे, ठीक है, लाइट इज गोइंग लाइक दिस, ये सारे चक्र है देखो चक्र, ठीक है, ऐसे जा रहा है भाई साहब लाइट। ठीक है, तो अनपोलराइज, तो आपने भाई साहब इन सारे कॉम्पोनेंट्स को दो में कन्वर्ट कर लिया, ये पूरा जो फैलाव था इसको दो कंपोनेंट्स में, मतलब एक्स और वाई एक्सिस में, तो अभी ये लाइट ऐसे जा रहा है देखो, ठीक है, तो ये जो लाइट ऐसे जा रहा है आपकी तरफ ये वाला है, मतलब ये वाला आपका ऐसे डॉट दिखाएंगे, तो ये आ गया आपका अनपोलराइज लाइट का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। अभी जब इसको आप पोलराइज करते हैं बाय पासिंग थ्रू अ पोलराइज क्रिस्टल, तो आपका क्या हो जाएगा, आधा उड़ जाएगा, आधा उड़ जाएगा, मतलब ये वाला कंपोनेंट भाई साहब आपका उड़ जाएगा, तो आपका पोलराइज लाइट का कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दिस इज बेसिकली प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, दिस इज नोन एज प्लेन पोलराइज लाइट। क्या ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, इज दिस रिप्रेजेंटेशन क्लियर पीपल, अरे ओ पीपल, ठीक है, इज इट क्लियर, तो ये देखो चक्कर जा रहा है भाई साहब, ये चक्कर जा रहा है। ठीक है, तो इसका हम सिंबल ऑफ अनपोलराइज लाइट, इसको हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, कौन से भाई साहब, इस वाले में और इस वाले में हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, इस वाले में और इस वाले में रिजॉल्व कर लिया, तो इसको ऐसे देखो भाई साहब, ये ऐसे हो गया है अभी, ठीक है, ये ऐसे हो गया है, इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय डॉट और ये हो गया। ठीक है, तो सिंबल ऑफ अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज लाइट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन ऑल प्लेन्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, हेंस अनपोलराइज इज रिप्रेजेंटेड बाई अ स्टार। ठीक है, तो ये भाई साहब एक स्टार की तरह हो जाएगा, तो इस तरह से हम इसको अनपोलराइज लाइट की तरह, ये भाई साहब है देखो, और ये हर बार हम अगर ऐसे डायग्राम बनाते रहेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, है ना, इट विल सीम टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट विल बी स्पेस कंज्यूमिंग एज वेल एंड टाइम कंज्यूमिंग एज वेल, तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे दिखा रहे हैं, प्लेन पोलराइज लाइट,
ये हो गया भाई साहब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, सिंबल ऑफ पोलराइज लाइट. मैंने क्या बोला आपको, देखो अभी आप अगर आप किसी पोलराइड क्रिस्टल से इसको पास करा रहे हैं तो ये भाई साहब उड़ जाएगा, ये अभी ऐसे जा रहा है, तो ये जो डॉट आप दिखा रहे थे वो अभी नहीं एग्जिस्ट करेगा. ये हो गया आपका देखो प्लेन पोलराइज लाइट, दिस इज पीपीएल, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लाइट. तो आपका भाई साहब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इन प्लेन इन पोलराइज लाइट, द वाइब्रेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर आर कन्फाइंड ओनली टू वन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन. तो एक ही डायरेक्शन में भाई साहब आपका, ठीक है, इन polarized light the vibrations of electric vector are confined to only one direction perpendicular to the direction of wave propagation. एक ही direction में है भाई साहब, ठीक है, plane polarized light. तो ये हो गया आपका direction, ये हो गया आपका भाई साहब direction of propagation. और symbol of polarized light, आपका polarized light का symbol ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, या आपका ऐसा भी हो सकता है. आपने भाई साहब polarized light कर दिया ना, तो आपका भाई साहब एक wing उड़ गया है कि नहीं, ये उड़ गया या तो ये उड़ गया भाई साहब, ठीक है, दोनों में से ये दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे, दीज आर सिंबल्स ऑफ पीपीएल. ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है सद्दा देवी, समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके. इफ द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर देन पोलराइज्ड लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो लाइंस, दे आर रेफर्ड टू एज पाई कंपोनेंट्स. इनको हम भाई साहब क्या बोलेंगे, पाई कंपोनेंट्स, ओके. सो आपका भाई साहब ये हो गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मेनी प्लेन्स, ये हो गया आपका पोलराइजर, पोलराइजर से भाई साहब हो गया सिंगल पोलर प्लेन, और ये हो गया आपका भाई साहब क्या, दिस इज बेसिकली योर पोलराइज्ड लाइट, दिस इज पोलराइज्ड लाइट, ठीक है. एनालाइजर, अभी देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका पोलराइजर और एक होता है भाई साहब आपका एनालाइजर, ठीक है. अभी ये आपका भाई साहब एनालाइजर हो गया, यहां से आपका इफ अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन पोलराइड द ट्रांसमिटेड लेंस प्लेन. देखो देखो यहां पे देखो, ये आपको क्या मिल रहा है, एक सिंगल प्लेन, मतलब बाकी सारे कंपोनेंट्स कट गए, एक सिर्फ एक एक ऐसे आ रहा है. अभी आपने दूसरे पे डाला हुआ है एनालाइजर है, दो भी आपके पोलराइड क्रिस्टल्स हैं, दोनों आपके पोलराइड क्रिस्टल्स हैं. तो अभी आपका भाई साहब ये ऐसे आ रहा है ना लाइट, देखो अभी इसका एक्सिस ऐसे, ठीक है, ये वाला आपका एनालाइजर है, ये वाला आपका पोलराइजर है. पोलराइजर से आपको क्या मिला भाई साहब, इस एक डायरेक्शन पे लाइट का वाइब्रेशन है. अभी ये आ रहा है एनालाइजर पे, एनालाइजर का भी एक्सिस ऐसे है, तो क्या ये पास करेगा इससे, इसके हाथ पांव तो पहले से कटे हुए हैं भाई साहब, तो ये भाई साहब उसी एक्सिस से पास कर जाएगा, मतलब इस वाले में और इस वाले में कोई डिफरेंस नहीं होगा. डिफरेंस कब आएगा, जब इसको आप घुमाओगे भाई साहब, ऐसे आपको घुमा दोगे, ठीक है. सोचो सोचो, अभी देखो क्या हो रहा है, अभी आपका एक एक्सिस पे ऐसे जा रहा है, ठीक है, बाकी सब हाथ पांव कटे हुए हैं इसके, ये ऐसे जा रहा है. अगर ये वाला सामने भी ऐसे है तो ये निकल जाएगा. अगर भाई साहब ये वाला सामने ऐसे कर दिया आपने तो निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, तब आपको भाई साहब यहाँ से कोई लाइट नहीं आएगी, देयर विल बी नो लाइट दैट विल बी एमिनेंट फ्रॉम हियर. क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है. सो ये आपका पोलराइज लाइट है, उधर भी आपका पोलराइज लाइट ही होगा. तो इसको हम बोलते हैं भाई साहब पोलराइजर, और इसको हम बोलते हैं भाई साहब एनालाइजर. और इस पोलराइजर और एनालाइजर में हम बेसिकली एंगल्स करते हैं, ठीक है. इस पोलराइजर को हमने फिक्स रखा है, इसको घुमाते हैं, मतलब इसके एक्सिस और इसके एक्सिस में कितने का एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बनेगा दैट विल बी बेसिकली थीटा. और अगला जो आपका मॉलस लॉ है उस थीटा पे बेस्ड है, ठीक है. उस थीटा पे आप इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं. आर वी क्लियर, सिस्टम समझ में आ रहा है. लाइट जो कि आपका अनपोलराइज्ड है वो पहले पोलराइजर से जाकर पोलराइज्ड हो जाएगा. दूसरा एनालाइजर, अगर इन दोनों के एक्सिस भाई साहब क्या हैं, पैरेलल हैं. इफ दीज टू एक्सिसेस आर पैरेलल देन द इमर्जेंट लाइट विल बी इमर्जिंग इन द सेम डायरेक्शन. भाई साहब समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है. सो हेंस द वर्टिकल ऑसिलेशंस आर ट्रांसमिटेड बिकॉज द ट्रांसमिटेड एक्सिस इज ऑल्सो वर्टिकल. भाई साहब यहाँ पे देखो ये वर्टिकल वाइब्रेशन हो रहे हैं भाई साहब, ये एक्सिस से ये चला जाएगा, ये भाई साहब ऐसे निकलेगा, जैसे था वैसे यहाँ पे निकलेगा. क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके. क्योंकि एक्सिस आपके भाई साहब क्या है, पैरेलल है. The horizontal oscillations are not transmitted. तो यहाँ पे जो horizontal level पे oscillations होते हैं ऐसे जा रहा है ना भाई साहब, component में resolve कर दिया आपने, तो horizontal वाला नहीं जा पाएगा क्योंकि आपका vertical axis है, तो horizontal components क्या हो जाएंगे भाई साहब, कट जाएंगे, ठीक है. So the horizontal oscillations are not transmitted. That is why on the right hand side there are dots and the intersection of lines. तो आपके भाई साहब dots आ जाएंगे on the intersection of lines.
क्लियर हम पीपल? हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, द इमेजिनरी प्लेन इन अ क्रिस्टल कंटेनिंग द वाइब्रेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर इन पोलराइज्ड लाइट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव इज डिफाइंड एज द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो हम इसको भाई साहब एक इमेजिनरी प्लेन मानते हैं, ये आपका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। ये लाइट जा रहा है, देखो लाइट जा रहा है, ये भाई साहब ये लाइट जा रहा है। तो दिस इज बेसिकली द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो एक इमेजिनरी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, द इमेजिनरी प्लेन इन अ क्रिस्टल कंटेनिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज डिफाइंड एज द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन भाई साहब इसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा, ठीक है। ओके, तो ये देखो आपका लाइट है, ये आपका किस टाइप का लाइट हो गया? अनपोलराइज्ड लाइट। ये लाइट सोर्स से आ रहा है, अनपोलराइज्ड लाइट है। यहाँ पे भाई साहब देखो ये दिख रहा है ना, मतलब आपने ऐसे लगाया इसको, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किए हुए हैं इसको। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये किससे जा रहा है? एक पोलराइड क्रिस्टल से जा रहा है, इसका ये वाला कंपोनेंट उड़ गया। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? PPL, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक कंपोनेंट भाई साहब इसका उड़ गया, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेन आ रहा है आपका, देखो ठीक है, दिस एंटायर प्लेन, दिस इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ये इसको अलाउ कर रहा है भाई साहब जाने में, ठीक है। ये वाला जो है आपका, दिस इज कॉल्ड, ये वाला जो प्लेन दिख रहा है आपको, देखो दिस प्लेन इज नोन एज द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। एंड दिस प्लेन इज नोन एज द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, क्योंकि आपका ये वाला कॉम्पोनेंट देखो इसमें से कट गया है ना भाई साहब, ये वाला जा रहा है, ये वाला जो कंपोनेंट था वो कट गया है, जो कट गया है वही आपका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हो जाएगा। द वन विच वैनिशेस फ्रॉम द कंपोनेंट इज नोन एज द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्या ये क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ठीक है, तो ये आपका लाइट है भाई साहब, मेनी प्लेन्स, ये आपका अनपोलराइज लाइट है, ये एक पोलराइजर से जा रहा है, ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं हम इसको, ठीक है, ऑप्टिकल एक्सिस। तो पोलराइजर से जैसे भी निकलेगा ये, तो आपका कैसे होता है, ये सिंगल प्लेन में निकलेगा, पोलराइज लाइट है। ये भाई साहब एनालाइजर पे जा रहा है, एनालाइजर पे जा रहा है, तो आपका भाई साहब याद देखो ये एनालाइजर पे क्या कटेगा भाई साहब, अगर हमने एनालाइजर को ऐसे रखा है तो ये ऐसे का ऐसे ही बाहर आ जाएगा, लेकिन अगर हमने एनालाइजर को भाई साहब घुमा दिया ऐसे तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ये? क्योंकि तब ई वाला कंपोनेंट भी वैसे कट जाएगा, क्योंकि ये आ रहा है ऐसे और एनालाइजर को तुमने रखा है ऐसे, तो गया भाई साहब एक्सेस चला जाएगा, ठीक है। तो प्लेन पोलराइज लाइट, इधर भी प्लेन पोलराइज लाइट, आपने भाई साहब इसको घुमा दिया ऐसे, अब ये नहीं जाएगा, ठीक है। सो देयर विल बी कंप्लीट डार्कनेस, ठीक है, ऑन दैट साइड। ओके, नो लाइट इफ यू हैपन टू रोटेट द एनालाइजर। तो एनालाइजर को अभी आपने भाई साहब क्या कर दिया है, 90 डिग्री पे कर दिया है, ठीक है, क्लियर है। ऑप्टिकल एक्सिस, द इमेजिनरी एक्सिस इन द क्रिस्टल दैट इज पोलराइजर पैरेलल टू विच द वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर इन अनपोलराइज लाइट पास थ्रू इट इज डिफाइंड एज द ऑप्टिकल एक्सिस। तो आपका ये हो गया भाई साहब ऑप्टिकल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल एक्सिस। क्लियर हम पीपल? हम समझ में आता हम? बहुत बढ़िया। लाइट कैन बी पोलराइज बाई ट्रांसमिटिंग थ्रू सर्टेन क्रिस्टल सच एज टॉर्मलिन और कैल्साइट। टॉर्मलिन क्रिस्टल या कैल्साइट क्रिस्टल, इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर बेसिकली पोलराइड क्रिस्टल्स। आपके जो सनग्लासेस होते हैं वो पोलराइड क्रिस्टल से बनते हैं, अच्छे वाले, छपरी वाले नहीं, जो 50-100 रुपये में आते हैं वो वाले नहीं, जो अच्छे वाले। क्योंकि सनग्लासेस पहनने का मकसद क्या है? स्टाइल मारना नहीं होता है, हम करते हैं वो सेकेंडरी है, लेकिन सनग्लासेस पहनने का मकसद ये है कि भाई साहब जो आपका ग्लेयरिंग सनलाइट है वो आपके आंखों तक ना पहुंचे। तो मतलब इंटेंसिटी रिड्यूस हो गए, इंटेंसिटी कब रिड्यूस होगी? और ऐसा भी नहीं कि आप अंधे हो जाएं, है ना, अगर भाई साहब आपने ऐसे पहन लिया ठीक है, कोई भी रोशनी नहीं पहुंचे लेकिन देख भी तो नहीं रहा है, ठीक है। सो यू नीड टू वेयर ग्लेयर्स विच विल कट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकॉज दैट मॉट बी हार्मफुल फॉर यू, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जैसे आप सनग्लासेस पहन रहे हैं तो एक पोलराइड क्रिस्टल है, ये पोलराइड क्रिस्टल क्या करेगा भाई साहब, एक कॉम्पोनेंट को काट देगा और एक कॉम्पोनेंट को अंदर जाने दे रहा है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी लेकिन आप अंधे नहीं हो जाएंगे, आपको दिखेगा सब कुछ, ठीक है। यू विल बी एबल टू सी बिकॉज लाइट इज स्टिल रीचिंग यू, बट पासिंग थ्रू अ पोलराइड क्रिस्टल इट रिड्यूसेस द इंटेंसिटी एंड हेंस रिड्यूसेस द ग्लेयर ऑफ द लाइट, ठीक है। दैट इज द पर्पस ऑफ बेसिकली यूजिंग अ सनग्लास। सो पोलराइड्स आर थिन फिल्म्स ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स ऑफ Q9 आइडोसल्फेट विद देयर ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्विनाइन आइडोसल्फेट इज ऑल्सो कॉल्ड हर्पाथाइट, ठीक है।
Polaroids allow the light oscillations parallel to the transmission axis pass through them. The intensity of the transmitted light, अभी बताओ मेरे को, ये पूरा light जा रहा भाई साहब, ठीक है? ये भाई साहब इसका हमने दो components में कर दिया, इसका आधा component चला गया, तो अगर intensity of light एक polarizer से जाने के बाद क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी भाई साहब, है ना? आधी light जा रही है तो intensity भी आधी हो जाएगी, ठीक है? That is what is happening. The intensity of transmitted light should be 50% of the incident light. However, in actual practice, it is found to be about 35% of incident light. तो एकदम accurate नहीं होता है 55%, 35% transmitted light होता है, मतलब और भी कम हो जाता है, ठीक है? और भी components कटते हैं इसके, ठीक है? So that is how it is. क्योंकि polaroid के जो crystals हैं, उनके arrangement कैसे? देखिए, एक crystal नहीं है वो, बहुत सारे crystals का combination है. तो बहुत सारे क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन होगा, तो हर एक में से ऐसा कटेंगे, तो इसीलिए आपको एग्जैक्ट 50% रिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको उससे भी ज़्यादा मिल रहा है, मतलब सिर्फ 35% जो है तो लाइट ट्रांसमिट होती है एक पोलराइड क्रिस्टल से, ठीक है? क्लियर है? होना चाहिए 50%, और हमारा जो कैलकुलेशन है वो इस 50% पे बेस्ड है. हम जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे मॉलस लॉ पे, वो इस 50% पे ही बेस्ड है. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द 35%. क्लियर है? ये एक्चुअल प्रैक्टिस में है 35% ही मेजर होता है. The crystals or polaroid on which unpolarized light is incident is called the polarizer. Crystals or polaroid on which polarized light is incident is called the analyzer. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये unpolarized light हो गया भाई साहब, ठीक है? ये unpolarized light हो गया, ये किस पे आ रहा है? एक polaroid crystal पे आ रहा है भाई साहब, polaroid crystal पे. और ये हो गया भाई साहब दूसरा, ये हो गया आपका analyzer, ये हो गया polarizer, ये हो गया analyzer, ठीक है? अनपोलराइज्ड लाइट ये इस पे आया तो क्या हो जाएगा भाई साहब? पोलराइज लाइट हो गया, ये हो गया आपका प्लेन पोलराइज लाइट, दिस इज फॉलिंग ऑन द एनालाइजर. क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? सो क्रिस्टल्स और पोलराइड ऑन विच पोलराइड लाइट इज इंसिडेंट, तो इसमें कौन सा लाइट इंसिडेंट है? प्लेन पोलराइज लाइट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एनालाइजर. Crystal on which unpolarized light is incident is known as the polarizer. ठीक है? So the crystal on which unpolarized light is incident is called the polarizer. Crystal on which plane polarized light is incident is called the analyzer. Are we clear through these things, people? समझ में आतम? बहुत बढ़िया, ठीक है? If the transmitted axis of the polarizer and the analyzer are parallel, then the whole of the polarized light passes through the analyzer. भाई साहब देखो, ये आपका axis हो गया, ठीक है? ये transmission axis है. किसका? Polarizer का. और ये ट्रांसमिशन एक्सिस है किसका भाई साहब? एनालाइजर का. अगर ये दोनों पहला, तो आपका ये जो अनपोलराइज लाइट है, यहाँ पे आया आपका प्लेन पोलराइज लाइट, ये भी हो गया आपका प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है? सो इफ द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द पोलराइजर एंड द एनालाइजर आर पैरेलल, देन द होल ऑफ द पोलराइज लाइट पासेस थ्रू द एनालाइजर. तो ये पूरा जो पोलराइज लाइट है वो एनालाइजर से पास होएगा. If the transmission axis of the analyzer is perpendicular to that of the polarizer, then no light passes through the analyzer. अगर ये इस पे perpendicular हो जाता है, तो no light will pass through the analyzer. Are we clear through this one, people? समझ में आतम? आतम, आतम, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है? Such polarizer and analyzer are said to be crossed. मतलब आपका कैसा हो जाएगा? अभी देखो, यहाँ पे ये हो गया polarizer, ठीक है? ये हो गया भाई साहब आपका analyzer. ठीक है, ये आपका है भाई साहब अनपोलराइज लाइट, ये है आपका भाई साहब प्लेन पोलराइज लाइट. अभी कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? नो लाइट, देयर विल बी नो लाइट एट ऑल. ठीक है, सच पोलराइजर एंड एनालाइजर आर सेट टू बी क्रॉस्ड. इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? क्रॉस. और वो वाला अरेंजमेंट क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका पैरेलल. क्लियरम, 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 बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है? The phenomena of polarization occurs only in bolo longitudinal waves, transverse waves, both A and B, none of the above. Transverse waves क्या होती हैं और longitudinal waves क्या होते हैं? दोनों में ही vibration होता है. Waves मतलब vibration. That is not the answer. हाँ ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है तुम बोल रही हो? कंप्रेशन और रेरिफैक्शन. और ट्रांसवर्स में क्या होता है? क्रेस्ट और ट्रफ. एग्जैक्ट आंसर नहीं है ये, ठीक है? एग्जैक्ट आंसर नहीं है. ओके चलो, इनका ही हम ले लेते हैं भाई साहब. ये बोल रही हैं कि आपका ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? ऐसा कंप्रेशन, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल वेव में, है ना? लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, फिर आपका कंप्रेशन, फिर रेरिफैक्शन, फिर आपका कंप्रेशन, फिर रेरिफ्रैक्शन, ऐसा हो रहा है ना भाई साहब, ठीक है? तो पार्टिकल्स, आपका वेव किस तरफ जा रहा है? इस तरफ.
पार्टिकल्स का वाइब्रेशन कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना भाई साहब, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन। तो ये है आपका डेफिनेशन, ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, आपका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपका ट्रांसवर्स वेव में क्या हो जाएगा भाई साहब, ट्रांसवर्स वेव में आपका परपेंडिकुलर, आपके मीडियम पार्टिकल्स भाई साहब जो वेव है उसके ऊपर नीचे ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा भाई साहब डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन विल बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। क्लियर है भाई साहब? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो आपका भाई साहब द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन, क्या इसमें पोलराइजेशन पॉसिबल होगा? नहीं हो पाएगा भाई साहब, क्योंकि आपका देखो एक्सिस क्या है, अगर आपने कोई पोलराइड एक्सिस रख दिया ऐसे तो पूरा पूरा ही काट देगा, और अगर आपने ऐसे रखा तो पूरा पूरा ही भाई चला जाएगा। ठीक है, यहां पे कटने की संभावना है, क्योंकि यहां पे भाई साहब अप एंड डाउन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में ही ये पॉसिबल है। द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर्स एल्यूमिनिफेरस ईथर एयर मीडियम ग्लास मीडियम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। देखो ये आपके हाइगेंस ने भाई साहब ये अज्यूम किया था, हाइगेन ने जब वेव थियरी ऑफ लाइट बताई तो उस टाइम पे क्या हुआ कि साउंड वेव एस्टैब्लिश हो चुका था, साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एस्टैब्लिश हो चुका था, और साउंड के लिए पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। तो हाइगेंस ने बोला भाई साहब अगर मैं बोल रहा हूँ आज की लाइट ऑल्सो ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स विच इज करेक्ट, हाउ डू आई से बाई वॉट मीडियम इट ट्रैवल्स। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब एक एक ल्यूमिनिफेरस ईथर का मॉडल है अर्थ, और इसीलिए लाइट ट्रैवल हो रहा है, जबकि ये सच नहीं है, ये एक अजम्पशन था, ये एक अजम्पशन था, अजम्पशन इसलिए था, और अजम्पशन रॉन्ग इसलिए हुआ क्योंकि हमने सोचा कि ये साउंड वेव की तरह ही है, लेकिन साउंड वेव की तरह ये नहीं है, इट इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे चलो हमने माना कि ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एटमोसफियर है, यहाँ पे सन है, लेकिन इस एटमॉस्फियर और सन के बीच में वैक्यूम है, तो अगर मीडियम की जरूरत पड़ती तो आपका सनलाइट हम तक कभी पहुंचता ही नहीं है ना, एटमॉस्फियर भाई साहब तो ही ना सन तक है, एटमॉस्फियर से कुछ लेवल तक ही है अर्थ के ऊपर, तो ये आपका खारिज हो जाता है। एयर मीडियम ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं कि एयर कुछ, क्योंकि आपका एटमॉस्फियर या एयर मीडियम थोड़े बहुत हाइट पे चालू होता है, उसके आगे तो वैसा वैक्यूम ही है और वहाँ पे सन है, लेकिन सन का लाइट हम तक पहुँच रहा है तो एयर मीडियम की जरूरत नहीं है। ग्लास मीडियम देखिए द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं जरूरत नहीं है भाई साहब, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स यस दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो और ये दोनों एक दूसरे को भाई साहब क्या कर रहे हैं, दे आर बेसिकली एक दूसरे को एनहांस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द लाइट वेव्स हैव प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, द लाइट वेव्स हैव प्लेन ऑफ वाइब्रेशन डैश टू द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये आपका भाई साहब प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, ये लाइट वेव्स है भाई साहब जा रहा है। ठीक है, तो लाइट वेव्स हैव अ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, टेंजेंट नहीं भाई साहब, ये तो गड़बड़ है। देखो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ना, यही हमने पढ़ा ना, ये हो गया प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, लाइट वेव्स प्लेन ऑफ वाइब्रेशन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन प्लेन ऑफ ठीक है, दिस हैज टू बी सीन। थोड़ी ये क्या हो गया, खत्म हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई,
ओके मॉलस लॉ, तो आपका समझ लो आई नॉट बी द इंटेंसिटी, आपका भाई साहब यहाँ पे आई नॉट है, इंटेंसिटी किसका, पोलराइज लाइट का, इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सेस ऑफ द पोलराइजर एंड द एनालाइजर, देन द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू द एनालाइजर इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू आई नॉट। मतलब समझ रहे हैं, देखो यहाँ पे आपका भाई साहब ये आपका लाइट है अनपोलराइज लाइट, ठीक है, ये जा रहा है भाई साहब किससे, पोलराइज लाइट से, ठीक है, पोलराइड से जा रहा है, तो पोलराइड से जो लाइट जा रहा है आई नॉट बी द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज लाइट, तो यहाँ पे भाई साहब इसका हो गया आई नॉट इंटेंसिटी, ठीक है, यहाँ पे कुछ रहा होगा आई, यहाँ पे पोलराइजर से जाने के बाद इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाती है आई नॉट, ठीक है। अभी समझ लो हमने पूरा पूरा 90 डिग्री नहीं किया है, तो इसमें भी कट कन कट्टम होगा भाई साहब, तो पोलराइजर और एनालाइजर के एंगल जो है वो है कितना भाई साहब, थीटा, ठीक है। तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी यहाँ से निकलने वाली, इसकी वैल्यू होगी आई कॉस स्क्वायर थीटा, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई साहब अगर अनपोलराइज लाइट जा रही है, पोलराइज लाइट पोलराइजर के जाने के बाद कितना हो जाएगा आई नॉट, मुझे बता सकते हो इसकी कितनी इंटेंसिटी होगी, अगर इसकी इंटेंसिटी आफ्टर पोलराइजर इज आई नॉट देन व्हाट विल बी द इंटेंसिटी हियर, कितना होगा इंटेंसिटी, अरे भाई साहब इसका आधा हो गया ना इंटेंसिटी, मतलब टू आई नॉट रहा होगा, टू आई नॉट रहा होगा, यहाँ पे पोलराइजर से गुजरने के बाद उसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई है आई नॉट। तो मॉलस लॉ क्या बोल रहा है कि पोलराइजर और एनालाइजर के एक्सिस के बीच अगर एंगल है थीटा, अगर एंगल है थीटा, तो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इमर्जेस आउट ऑफ द एनालाइजर वुड बी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेट ए बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर एंड ए नॉट बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द पोलराइज लाइट इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है। ए बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट, तो आप भाई साहब यहां पे ये बोल सकते हैं आई की प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ होती है भाई साहब, ए स्क्वायर के साथ, आई नॉट की ए नॉट स्क्वायर के साथ, और हम यहां पे क्या बोल सकते हैं ए बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर एंड ए नॉट बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द पोलराइज लाइट। अब भाई साहब ये क्या है, आई इज बेसिकली वॉट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर, ये एनालाइजर से निकलता हुआ लाइट है, एंड आई नॉट इज बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द पोलराइजर, ठीक है। हमको मालूम है भाई साहब आई क्या हो जाएगा, के इंटू ए का स्क्वायर, तो ये भाई साहब के ए का स्क्वायर, के नॉट, ये के और के कैंसिल हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर, ए इज बेसिकली वॉट, एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर, ठीक है, एंड ए नॉट स्क्वायर विल बी बेसिकली एम्पलीट्यूड ऑफ द पोलराइज लाइट इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा या ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा, ठीक है, ओके ओके ओके। इफ आई बी द इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज लाइट, ठीक है भाई साहब, आई अगर इंटेंसिटी है किसका, अनपोलराइज लाइट का, मतलब वो अभी तक एनालाइजर के पास नहीं, पोलराइजर के पास नहीं आया है, ठीक है, आई आई डैश मतलब इनिशियल, ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई साहब आपका क्या, अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट ऑन द पोलराइजर एंड आई विद द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर, तो भाई साहब आई क्या हो जाएगा, आई नॉट बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैसे होगा भाई साहब, देखो आपका फाइनल फाइनल कितना है? देखो यहाँ पे आ रहा है आई आई, ठीक है, समझो ये है आपका भाई साहब क्या, दिस इज बेसिकली पोलराइजर, ये है भाई साहब आपका क्या एनालाइजर, ठीक है, यहाँ पे आपका आई आई है, यहाँ पे आपका आई नॉट होगा और यहाँ पे आपका क्या होगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर, ठीक है, क्लियर है, यही पढ़ा हमने अभी तक, ओके। अभी ये आई नॉट क्या होगा बोलो, आई नॉट होगा भाई साहब आई आई बाई टू, है कि नहीं, आई आई बाई टू, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई साहब, एनालाइजर से जो निकल रहा है वो है कितना आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब अभी आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल आई बाई टू, मतलब आई आई बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसे ही ये अनपोलराइज लाइट आपके पहले पोलराइजर से जाएगा उसकी इंटेंसिटी बाय डिफॉल्ट आधी हो जाएगी, इट विल बेसिकली रिड्यूस बाय हाफ, ठीक है।
So if the analyzer above expression, if the above expression theta is also angle between the plane of oscillation and the, ठीक है, तो analyzer भाई साहब ये हो जाएगा. हमको मालूम है I naught क्या होता है, initial I का divided by 2, ठीक है. For crossed polarizer and analyzer, cross जब होंगे मतलब आपका polarizer का axis ये है, analyzer का axis ये है, तो दोनों के बीच में angle कितना भाई साहब 90, और cos 90 की value कितनी हो जाएगी भाई साहब 0, मतलब there will be no light which will be coming out of the analyzer, ठीक है. तो आपका भाई साहब I is equal to I naught cos square 90, that will be 0. Polarization confirms the transverse nature of light waves. Transverse nature मतलब ये वाला, ठीक है, जहाँ पे medium particles up and down direction of propagation ये, और medium particles ऐसे जा रहे हैं, तभी तो आप उसके हिस्से को काट पा रहे हैं, तभी तो आप उसके हिस्से को काट पा रहे हैं. अगर parallel होता तो ये longitudinal हो जाता, और longitudinal होता तो axis से pass करता था, या तो axis से बिल्कुल भी pass नहीं करता था, ठीक है. तो पोलराइजेशन बेसिकली क्या कंफर्म कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसवर्स नेचर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भाई साहब कौन सा नेचर, ट्रांसवर्स नेचर. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके. सो लाइट कैन बी पोलराइज बाय द फॉलोइंग मेथड्स. हम कैसे पोलराइज कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन से, रिफ्रैक्शन से, एंड डबल रिफ्रैक्शन से भी, ठीक है. सो दीज आर द थ्री मेथड्स बाय विच वी कैन बेसिकली पोलराइज लाइट, ठीक है. डाइक्रोमिज्म, स्कैटरिंग, ठीक है. पोलराइजेशन कंफर्म्स द व्हाट नेचर ऑफ लाइट, ऑब्वियसली ट्रांसवर्स नेचर, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज फॉर द पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है. ब्रूस्टर्स लॉ. सो ब्रूस्टर्स लॉ आपका क्या है, देखो जैसे मान लो ये ऑर्डिनरी लाइट है, दिस इज बेसिकली ऑर्डिनरी लाइट. द मॉलस लॉ क्या है, व्हाट इज मॉलस लॉ? अरे भाई साहब ये आपका आई आई है, ये है इंसिडेंट लाइट, ये भाई साहब गया पोलराइट क्रिस्टल से, पोलराइजर से, यहाँ पे इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, आई नॉट. तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, आई आई बाई टू. अभी ये भाई साहब समझ लो एनालाइजर है, और इसके एनालाइजर और पोलराइजर के बीच में जो एंगल है वो है आपका थीटा, मतलब इनके एक्सेस के बीच में. तो यहाँ से जो इमर्जेंट रे होगा उसका होगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, बस इतना याद रखो काफ़ी है, ठीक है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या बोल रहा है भाई साहब, ये ऑर्डिनरी लाइट है, समझ लो किस पे इंसिडेंट है, ऑन एयर एंड ग्लास, ठीक है, ऑन एयर एंड ग्लास. तो ये आपका अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट जब इसमें जाएगा, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट जब इसमें जाएगा तो आपका भाई साहब पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है, थोड़ा बहुत लाइट आपका रिफ्लेक्ट होगा और थोड़ा बहुत लाइट आपका भाई साहब रिफ्रैक्ट होगा. क्या ये एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है भाई साहब, एनर्जी किस में जाएगी भाई साहब, वाइब्रेशंस में जाएगी, दिस एनर्जी विल बेसिकली ट्रांसफॉर्म इनटू वाइब्रेशंस. ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे I इज इक्वल टू आई पी, ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली प्लेन पोलराइज लाइट, और ये आपका भाई साहब अनपोलराइज लाइट, ठीक है, समझ में आ रहा है, जैसे ग्लास में जो जाएगा. तो 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 एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस नोन एज द पोलराइजिंग एंगल द रिफ्लेक्टेड रेज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस. तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टेड है एक पर्टिकुलर एंगल पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द, ये आपका आई पी है बेसिकली, ठीक है, ब्रूस्टर्स एंगल बोलते हैं हम इसको, ठीक है. एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस नोन एज द पोलराइजिंग एंगल, आपका जो रिफ्लेक्टेड है ये प्लेन पोलराइज लाइट हो जाएगा, ठीक है. प्लेन पोलराइज लाइट मतलब ये सिर्फ एक ही डायरेक्ट, आपका भाई साहब दूसरा वाला कॉम्पोनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है. एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस द रिफ्लेक्टेड आई इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है. एक्चुअली में क्या होगा, पहले थोड़ा थोड़ा रहेगा, पहले ऐसा थोड़ा थोड़ा रहेगा, फिर धीरे धीरे गायब होता जाएगा, और फिर कंप्लीटली चला जाएगा एट अ पर्टिकुलर एंगल आई पी, एट अ पर्टिकुलर एंगल आई पी. सच एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ऑर्डिनरी लाइट एट विच द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज इज नोन एज द पोलराइजिंग एंगल, ठीक है. कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट कौन सा है, आपका ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है दिस इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट, और इस एंगल को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, पोलराइजिंग एंगल, ठीक है. ओके, तो आपका ये ऑर्डिनरी लाइट हो गया भाई साहब अनपोलराइज, ठीक है. So the angle of incidence of ordinary light at which the reflected light from the transparent medium is completely plane polarized is called as the polarizing angle or Brewster's angle or angle of polarization. तो IP आपका भाई साहब Brewster's angle भी बोलेंगे, ठीक है, और यह हम बोल सकते हैं भाई साहब polarizing angle. At this point the reflected and the refracted rays are mutually perpendicular, ठीक है. आपने भाई साहब एक यहाँ पे जो reflected और refracted ray है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये reflected ray है और ये आपका हो जाएगा refracted ray, ये दोनों आपस में 90 degree के होंगे,
ठीक है, द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड रेस दीज विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर. आर वी गेटिंग दिस पीपल? समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सो एंगल ऑफ पोलराइजेशन एट दिस पॉइंट द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये आपका भाई साहब हो गया रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर. प्रूफ ऑफ ब्रूस्टर्स लॉ, तो देखो भाई साहब ब्रूस्टर्स लॉ का क्या है, ये आई पी है, अनपोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट, 90 डिग्री का एंगल है. ये भाई साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. क्लियर है? ओके चलिए भाई साहब. ओके ओके ओके, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ भाई साहब म्यू क्या होता है, साइन आई पी बाई आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई पी बाई आर. ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. चलिए भाई साहब ओके, अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो यहां पे ये आपका कितना है भाई साहब, आई आई पी तो है. ठीक है, ये आपका कितना है 90 और ये आपका कितना है आर. तो इस लाइन को देखो, इस लाइन को आई पी प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन. ओके चलिए भाई साहब, तो आई पी इज और हम यहां पे क्या बोल सकते हैं आर, आर विल बी और सॉरी आई पी को हम क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी 180 माइनस 90 माइनस आर, है ना, ये वाला आर हम रिफ्रैक्शन एंगल को बोल रहे हैं. ठीक है, तो ये कितना हो गया बोलो 90 माइनस आर, तो आई पी की वैल्यू क्या हो गई 90 माइनस आर हो गई. ठीक है, तो इस साइन आई पी बाई साइन आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन आई पी अपॉन साइन 90 माइनस आर डैश, आर डैश क्यों लिख रहे हैं भाई साहब, साइन आर. ठीक है, साइन आर, साइन 90 माइनस आर कितना हो जाएगा कॉस आर, है ना, तो आपका ये हो जाएगा भाई साहब cos theta is equal to sin 90 minus theta, तो ये हो जाएगा आपका cos r. ठीक है, cos angle of refraction, तो अभी देखो sin ip by cos ip हो जाएगा, ये हो गया आपका sin ip और ये हो गया आपका देखो r dash plus 90 plus r is equal to 180, है ना, तो ये r dash मतलब आपका R डैश हुआ, दिस विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस R, या हम R को क्या लिख सकते हैं, यह आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. ठीक है, ये आपका भाई साहब R डैश ये, तो यहाँ पे कितना, इसको हम I लिख दें, कन्फ्यूजन ही झंझट ही कर मरते भाई साहब, ये भाई साहब क्या हो जाएगा I P हो जाएगा कि नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, आई पी प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू 180, तो आपका आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस आई पी, दैट विल बी हाउ मच 90 माइनस आई पी, आर की वैल्यू हो गई भाई साहब 90 माइनस आई पी, तो इसको इस आर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस आई पी लिख दो भाई साहब, तो ये हो गया आपका कॉस आई पी. ठीक है, साइन आई पी बाई कॉस आई पी, तो दिस विल बी हाउ मच टैन ऑफ, ठीक है, tan of IP. ठीक है, तो mu is equal to tan of IP, तो यही आपका Brewster's law है. ठीक है, तो Brewster's law पहली बात भाई साहब क्या बोल रहा है, Brewster's law ये बोल रहा है कि अगर आपका भाई साहब ये एक medium है, यहाँ पे एक incident light है, तो आपका ये आपका है क्या, this is basically unpolarized light, this is people what, unpolarized light. ठीक है, ये आपका unpolarized light है, UPL है, ये इसमें आ रहा है, तो इसका होगा refraction और इसका होगा reflection. जब एक ऐसे एंगल पे आते हैं कि आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है PPL, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, ब्रूस्टर्स एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, तो दिस विल बी बेसिकली नोन एज ब्रूस्टर्स एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी भाई साहब आपका क्या हो जाएगा IP, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, आपका स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट विल बी साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, तो इस म्यू को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन आई पी अपॉन साइन ऑफ आर. अभी यहाँ पे हमारा इस स्ट्रेट लाइन को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, हाँ, और ब्रूस्टर्स लॉ ये भी बोलता है कि ये घटना तभी घटती है जब आपका रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज में कितने का एंगल हो 90 डिग्री का. ठीक है, दिस इंसिडेंट विल ओनली हैपन व्हेन द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज इज 90 डिग्री. तो मतलब आई पी प्लस 90 प्लस आर, इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब 180, तो आपकी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, ये हो गया 90 माइनस IP, है ना भाई साहब 90 माइनस IP, ये हो गया आपका आर का वैल्यू, सो दिस विल बी साइन आई साइन आर.
90 माइनस आईपी, ठीक है, तो आपका हो जाएगा साइन आईपी अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज कॉस आईपी, दैट इज टैन आईपी, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, टैन आईपी, म्यू की वैल्यू हो गई भाई साहब टैन आईपी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आतम, ओके ओके ओके, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रिस्टल्स लॉ, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मैथ स्टूडेंट्स प्लीज गो देयर एंड अटेंड योर क्लास।